नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं प्रथमेश ज्योतिष चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके राशिफल की। 2023 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? सभी लोग जानना चाहते हैं कि नया साल 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है, मेरे और मेरे परिवार के लिए कैसा रहेगा, मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा या नहीं, नई समस्याओं का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, साल 2023 कैसा रहेगा, इसको लेकर कई प्रकार के विचार हमारे मन में घेरे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2023 कैसा रहने वाला है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रथमेश ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। 2023 के अनुसार धनु राशि के प्रेम जीवन की बात करें तो धनु प्रेम राशि फल के अनुसार 2023 में आपके प्रेम संबंधों में यदि आप सावधानी नहीं रखेंगे तो अनेक चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में ही राहु महाराज पंचम भाव में विराजित रहेंगे और आप सही तरीके से अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आपका प्यार निरंकुश हो सकता है क्योंकि आप इस दौरान किसी की भी परवाह नहीं करना चाहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को शनि के तीसरे भाव से पंचम भाव में दृष्टि डालने से आपके रिश्तों में तनाव बढ़ेगा, एक दूसरे में कहा सुनी होने की नौबत आ सकती है। 22 अप्रैल को बृहस्पति और उससे पूर्व ही सूर्य महाराज भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और सूर्य बृहस्पति और राहु का गठजोड़ पंचम भाव में होने से आपका रिश्ता टूट सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण हस्तक्षेप से इस रिश्ते में समस्याएं आ सकती हैं और ये तनाव लगभग अक्टूबर तक चलेगा। राहु के यहाँ से निकलने के बाद बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता मजबूत हो पाएगा। अगर आपके लिए शुभ अंक की बात करें तो भाग्यशाली अंक आपके लिए इस वर्ष 7 माना जा सकता है। वर्ष अच्छा बीते इसके लिए आप कुछ ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्री राम चालीसा का पाठ करें, पीले, गेरुए, नारंगी और लाल रंग का अधिक प्रयोग करें। अपनी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति जी के किसी भी मंत्र का आप निरंतर जाप करें। गौ माता को हरा चारा और थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का पुखराज रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य को अगर आपका उत्तम ना रहे तो श्री राम रक्षा स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।